अगर हमें किसी को इम्प्रेस करना है विद इन अ सेकंड तो उसको एक अच्छी सी स्माइल करो. सामने वाले को लगे कि वो जनरली मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड था एंड विद पॉजिटिव एनर्जी. क्या बात है, क्या स्माइल है, हंस के दिखा दो यार. ये छुपा रहे हो आप, छुपाना नहीं है. हाँ ये ठीक, वेरी नाइस, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. इससे अच्छी और कोई क्वालिटी हो नहीं सकती है, क्योंकि जब भी हम स्माइल करते हैं तो क्या होता है, हम इंस्टेंटली लाइकेबल हो जाते हैं. क्या हो गया? अरे 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 अब ठीक है अजय जी, अगर आप ये नहीं बताते तो हमारी कितनी झंड हो जाती. हाँ भाई सर, क्या बात है सर, दिल पे ले ली आपने मेरी बात. हाँ मुझे लगता है कई बार मैं अपनी ही बुराई कर रहा हूँ तो मेरे को कोई आप में से आकर के मारने पीटने ना लग जाए. संदीप भाई सर के बारे में बोलता तरीक सर. स्माइल, देखो अभी कितना अच्छा फील हो रहा है ना. क्यों हो रहा है अच्छा फील? क्योंकि हम स्माइल कर रहे हैं. क्योंकि हम स्माइल कर रहे हैं. भाई साहब यहाँ तक तो बात हो चुकी थी, इसके आगे बढ़ो ना. कि हम स्माइल कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा? स्माइल करने से ऐसा क्या होता है? दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा. देखो बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जब भी हम स्माइल करते हैं तो हम पूरी तरह से इस मोमेंट में होते हैं. कभी भी नोट करना, स्माइल कर रहे थे अभी आप पूरी तरह से यहां पर थे, मतलब दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा था. दिमाग में फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है, कुछ नहीं, हम पूरी तरह से यहां पर हैं. और जब भी हम पूरी तरह से कहीं पर होते हैं तो हमें अच्छा फील होने लगे. दैट इज वन. दूसरा क्या है, देयर इज अ फिजियोलॉजिकल रीजन आल्सो फॉर इट, कि जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर यहां पर ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. एक्चुअल में हंस रहे हो, नकली नहीं, मतलब जो पार्क में होता है वो सब नहीं. रामलीला चलती रहती है 12 महीने, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में जब आप हंस रहे होते, जैसे अभी अभी ये स्माइलिंग राइट, देखो क्या हो रहा है. बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन. पूरी जो बॉडी वो एकदम से हल्की हो जाती है, स्ट्रेस गायब हो जाता है, अंदर यहां पर कुछ सेंसेशंस हो रही होती हैं. देख पा रहे हो अभी, मतलब कैन यू फील इट, कितने फील कर पा रहे हो? सच बोलना, झूठ मत बोलना. अंदर यहां पर हल्की 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 ऐसा लग रहा है कि कोई खुजा रहा है, मतलब अंदर से होता नहीं है मीठी खुजली. हाँ मीठी खुजली. अरे क्या मारा है, वाह वाह वाह, छा गया ऐसा. तो अगर इस तरह से आपने देख लिया तो अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई हंसते रहने की. नहीं तो मेरे से सुन लिया और अपने माइंड में फीड किया, हाँ मुझे समझ आ गया, तो आपको कुछ समझ नहीं आया. जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं आया, सब भूल जाओगे. कल अगर आओगे यहां पे तो क्वेश्चन यही होगा कि सर जब आपको सुन रहे होते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद सब बैक टू नॉर्मल लाइफ. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कभी भी हम प्रैक्टिकली उस चीज को करके नहीं देखते हैं. अगर आपने खुद कर लिया इस चीज को जो मैं बता रहा हूं आपको, तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता है. देन आप कहीं पर बैठे भी होगे ना, मतलब अकेले भी बैठे होगे, तो आराम से दुनिया को देख करके हल्की सी स्माइल अपने आप ही आ जाएगी आपके फेस पे, अच्छा फील होने लग जाएगा. जितना अच्छा फील होगा उतनी अच्छी स्माइल, उतनी नेचुरल स्माइल, जितनी नेचुरल स्माइल उतना अच्छा फील होगा. फिर एक लूप बन जाता है, फिर और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, फड़फड़ाओ. तो स्माइल का जो आपने आइडिया दिया ना, मतलब कमाल का पॉइंट था. और क्या है, और कोई कुछ बोलना चाहता है या चाहती है? सर व्हेन वी अप्रिशिएट समबडी दे टेंड टू लाइक अस. अगर हमें किसी में कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें उन्हें बताना चाहिए. व्हाट शी सेड इज कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो पर्सन हमको लाइक करता है. क्या ये सच है झूठ है? लेकिन क्या इन रियलिटी हम अप्रिशिएट करते हैं लोग? No. ये अप्रिसिएशन चाहते हैं. हाँ तो जैसे भी इंसान के साथ आप जुड़ना चाहते हो वैसा इंसान हमको खुद बनना है. अगर हम वैसे बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो लाइकेबल हो जाएगी.